दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान के 10 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में कई साल क्वेश्चन ये पूछे गए थे। आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो मैं आज की इस वीडियो में लिया हूँ और 2020 के लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? इटली में। ठीक है, ये जितने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं आपको इनको याद करना पड़ेगा। इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैथ का क्वेश्चन, आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे आपको आंसर आ जाएगा, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा। तो मैं जिस तरीके से भी आपकी तैयारी करा रहा हूँ आप उसी तरीके से करिए। पिछले वर्ष हमारे चैनल से पढ़कर 92% अभय पाए हैं और काफ़ी बच्चे 90% पाए हैं, तो आप भी 92-95% पा सकते हैं अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो करोगे। ठीक है, और हमारा टॉप 100 पर ज्वाइन करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, राफेल कौन था? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19, 18, 16, 15 चार वर्षों पूछा जा चुका है राफेल कौन था। राफेल ना तो वैज्ञानिक था, ना तो कोई हीरो था, यह एक चित्रकार था। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो मार्टिन लूथर द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम प्रोटेस्टेंट था। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? पहला क्वेश्चन मैंने पूछा किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? इंग्लैंड से। क्लियर है, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन भी 5 साल पूछा जा चुका है, इंग्लैंड की रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? अच्छा, सामाजिक विज्ञान में आपको डेट वाले क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे, तो इसलिए आपको एक काम करना है, जितने मैं इस क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन दूंगा आपको एक कॉपी बनानी है, उसमें नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ये जो डेट वाला क्वेश्चन काफ़ी आता है। इंग्लैंड की रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 में। क्लियर है, बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई थी किस ईयर में? 1773 में। क्लियर है, बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न आपका है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? यह भी क्वेश्चन 18, 14, 10, 2006 और 2001 में पूछा जा चुका है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई। करते हैं आठवें प्रश्न की, रूसी क्रांति की तिथि है 6 नवंबर 1917। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आपका काम नहीं चलने वाला है। नौवां क्वेश्चन है, लेनिन किस क्रांति से संबंधित था? रूस की क्रांति से, या ये भी पूछा जा सकता है कि रूस की क्रांति से कौन संबंधित था, और ऑप्शन लेनिन देगा तो आपको लेनिन लिखना रहेगा। ठीक है, लेनिन किस क्रांति से संबंधित था? रूस की क्रांति से। दसवां क्वेश्चन है, प्रथम विश्वयुद्ध कब आरंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वयुद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, प्रथम या द्वितीय विश्वयुद्ध। प्रथम विश्वयुद्ध कब प्रारंभ हुआ? 28 जुलाई 1914 में। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे जो पिछले वर्षों कई बार पूछे गए थे, तो आपको मैं इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान के एक वीडियो मैंने बनाया है चैप्टर वाइज, आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैप्टर वाइज वीडियोज़ का। हेलो, वेलकम। अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।